दोस्तों शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल के बाद अगर आप कहीं एक स्पेशल जगह घूमने का आपका मन है जहां आप कुछ पीसफुल समय बिता सके तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। जी हां, आज मैं आपको उत्तराखंड के चकराता के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप हनीमून प्लान कर रहे हैं तो चकराता आपके लिए बेस्ट प्लेस है। कपल्स के लिए भी बेहद खूबसूरत जगह है चकराता। अगर आप फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो चकराता की बेहद खूबसूरत प्राकृतिक वादियों में हिमालय की खूबसूरत नजारों के बीच कुछ अच्छा समय जरूर बताएं। चकराता की पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कैसे आप आ सकते हैं, स्नो एडवेंचर कैसे कर सकते हैं आप चकराता में, स्कीइंग के लिए क्यों फेमस है चकराता, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लगातार बनाता रहूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें। तो चलिए आज घूमते हैं चकराता। दोस्तों अब बात करते हैं कि चकराता कैसे पहुंचा जाए। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून में है, और अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी देहरादून में ही है। अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो दिल्ली या किसी बड़े बड़े शहरों से डायरेक्ट चकराता के लिए बस अवेलेबल नहीं है, उसके लिए भी आपको देहरादून ही आना पड़ेगा। अगर आप अपनी पर्सनल कार, बाइक या टैक्सी लेकर आते हैं तो आप डायरेक्ट चकराता तक जा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि देहरादून से चकराता कैसे पहुंच सकते हैं। देहरादून से चकराता के बीच की दूरी 88 से 114 किलोमीटर है। 88 से 114 किलोमीटर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देहरादून से चकराता जाने के दो अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता है आप वाया डाक पत्थर और विकास नगर होकर चकराता पहुंच जाइए, इस रास्ते से डिस्टेंस तय करना पड़ेगा करीब 88 किलोमीटर। वहीं एक दूसरा रास्ता है जो मसूरी होकर जाता है। अगर आप उस रास्ते से आना चाहते हैं तो 114 किलोमीटर आपको तय करना होगा। देहरादून से चकराता जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी, शेयर टैक्सी और बसेस के ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी हायर करते हैं तो आपको 2000 से 2500 रुपए पे करना होगा, और चॉइस आपकी होगी कि आप किस रूट से जाना चाहते हैं। अगर आप वाया मसूरी आना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा जो 3500 या 4000 तक भी जा सकता है, बट मोस्टली टैक्सी वाया डाक पत्थर और विकास नगर होकर ही जाती हैं। अगर आप बाई शेयर टैक्सी आना चाहते हैं तो 180 से 220 रुपए आपके मात्र खर्च होंगे, आप देहरादून से चकराता पहुंच जाएंगे। बसेस से जाना तो और भी सस्ता हो सकता है। जी हाँ, देहरादून से अगर आप चकराता तक बस से आना चाहते हैं तो देहरादून से विकास नगर तक आपको बस मिल जाएगी। देहरादून से विकास नगर के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है और बस में टिकट बनता है मात्र 40 से 50 रुपए का। विकास नगर से चकराता जाने के लिए आपको शेयर टैक्सी लेनी पड़ेगी। विकास नगर से चकराता के बीच का डिस्टेंस 55 किलोमीटर है और शेयर टैक्सी में किराया लगता है 80 से 100 रुपए का। तो इस तरह से आप चकराता पहुंच सकते हैं। चलिए चकराता तो पहुंच चुके हैं, आप चकराता में स्टे करने के लिए भी अच्छे अच्छे होटल्स, रिजॉर्ट्स और कैंप के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए चकराता बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है उत्तराखंड का, जो लोगों की नजरों से छुपा हुआ है। बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चकराता उत्तराखंड के बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक है जहाँ टूरिस्ट कम जाते हैं, इसीलिए उसको पीसफुल जगह माना जाता है। आप शांति से वहाँ कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं। अगर आप हनीमून के लिए आना चाहते हैं तो चकराता आपके लिए बेस्ट रह सकता है। बात करते हैं कि चकराता में कहाँ स्टे करना है। होटल्स के अगर रेंट की मैं बात करूँ तो करीब 1000 रुपए से 1200 रुपए से होटल में रूम मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन चकराता सिटी से अगर आउटर पर आप होटल सर्च करते हैं, यानी चकराता के 5-6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप होटल सर्च करते हैं तो आपको काफी सस्ते होटल देखने के लिए मिल जाएंगे। चकराता से 8 किलोमीटर पहले यानी मसूरी रोड पर आप पुराड़ी में स्टे कर सकते हैं। पुराड़ी एक ऐसा गांव है जो पहाड़ के टॉप पर बसा हुआ है, और यहां से आप हिमालय पर्वत के बेहद ही खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। तो आप अगर चकराता में स्टे नहीं करते हैं तो आप थोड़ा पहले पुराड़ी में स्टे कर सकते हैं।
यहाँ आपको रूम 800, 900, 1000 रुपए तक के या उससे भी कम में आसानी से मिल जाएंगे। आपको ऑनलाइन बुकिंग करने की भी जरूरत नहीं है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा चकराता में रेजोर्ट और कैंप भी अवेलेबल है, आप चाहें तो उनकी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और चाहें तो ऑन द स्पॉट जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग करना ज़्यादा सेफ होता है ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। बट डिस्टेंस चेक करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चकराता के जब हम होटल ऑनलाइन सर्च करते हैं तो देहरादून के होटल भी चकराता की लिस्ट में आ जाते हैं, तो ऐसे में बुकिंग करते वक्त डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखना होगा। ये बात होती है स्टे करने की। अब बात करते हैं कि चकराता पहुंचने के बाद वो कौन कौन सी जगह हैं जहां हमें घूमने जाना चाहिए, क्या क्या बेस्ट लोकेशन है चकराता की। देखिए, चकराता में एक चिरमिरी पीक है जो चकराता से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और पुराड़ी गांव जो मैंने अभी पहले बताया था उसी के पास में स्थित है। आप यहां अपनी बाइक और कार से भी जा सकते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपको बेहद ही खूबसूरत लैंडस्केप देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। पुराड़ी गांव अपने आप में बहुत खूबसूरत है। पुराड़ी गांव के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक पहाड़ के एक माउंटेन के टॉप पर बसा हुआ है, तो वहाँ पर पानी की बेहद समस्या रहती है क्योंकि पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर होने के कारण कोई नेचुरल वाटर सोर्स वहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में जितना भी वाटर वहाँ पर आता है वो किसी निचले इलाके से ही लाया जाता है। विंटर के समय में तो पानी की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन समर में पानी की काफी समस्या पुराने गांव में हो जाती है, लेकिन नज़ारे बेहद ही खूबसूरत देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा पॉइंट है टाइगर वाटरफॉल। टाइगर वाटरफॉल आपको जरूर जाना चाहिए अगर आप चकराता आते हैं। टाइगर वाटरफॉल जाने के भी दो रास्ते हैं। एक रास्ता ऐसा है जहां पर आपकी गाड़ी काफी दूर तक यानी वाटरफॉल तक भी जा सकती है, बट एक और रास्ता है जब सीजन होता है तो उस पुराने वाले रास्ते को बंद कर देते हैं, तो ऐसे में आपको जिस रास्ते से जाना है वहाँ आपको करीब 1 किलोमीटर पैदल ट्रैक करना पड़ता है। ये पैदल ट्रैक नीचे की ओर होता है, तो जब आप रिटर्न वापस आएंगे तो काफ़ी स्टीप चढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। वहाँ पर पार्किंग शुल्क भी देना पड़ता है। अगर आप बाइक लेकर आए हैं तो 20 रुपये पार्किंग लगती है, कार लाए हैं तो 50 रुपये पार्किंग देनी पड़ती है, और टाइगर वाटरफॉल में एंट्री लेने के लिए भी टिकट लेना पड़ता है, वो है 30 रुपये का। टाइगर वाटरफॉल भारत के हाईएस्ट वाटरफॉल में से एक है जो 312 फीट की ऊंचाई से गिरता है, तो ऐसे में ये वाटरफॉल बेहद ही खूबसूरत है। और इस वाटरफॉल के पास भी अगर आप पहुंचते हैं तो डेफिनेटली आप पूरी तरह से गीले हो जाएंगे, क्योंकि 312 फीट की ऊंचाई से ये वाटरफॉल नीचे गिरता है, जिसकी वजह से आसपास में काफी ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट उड़ने लगता है। एक और पॉइंट है जहां आप जा सकते हैं, वो है देवबन। देवबन चकराता से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहां पर देवदार के बहुत ज्यादा पेड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। पूरी तरह से देवदार के पेड़ों से घने जंगल आप यहाँ देख सकते हैं। हिमालय पर्वत के बेहद ही खूबसूरत नज़ारे आप देवबन से देख पाएंगे। सर्दी के मौसम में यहाँ अच्छा खासा स्नोफॉल भी हो जाता है। पक्षियों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा जगह है देवबन। यहाँ आने के बाद आप बहुत सारे अलग अलग जातियों के प्रजातियों के पक्षियों को देख सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आप पहुंचेंगे लोखंडी। लोखंडी चकराता का बेहद ही फेमस टूरिस्ट पॉइंट है। चकराता से लोखंडी के बीच की दूरी करीब 19 किलोमीटर है। सर्दी में यहाँ पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, तो काफी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ स्नो को एंजॉय करने के लिए आते हैं। लोखंडी से ही आप चाहें तो मोयला बुग्याल तक भी जा सकते हैं। मोयला बुग्याल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप चकराता आते हैं तो यहाँ भी जरूर जाएं। यहाँ पर आपको पहले 3 किलोमीटर का एक ट्रैक करना पड़ेगा, जो एक प्लेन एरिया में ट्रैक करना पड़ता है। अगर आप बाइक लेकर आए हैं तो आप बाइक से भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन उसके बाद 2.5 किलोमीटर का ट्रैक जो काफी स्टीप है वो करना पड़ता है। वो दोनों ट्रैक पूरा करने के बाद आप मोयला बुग्याल तक पहुँच जाएंगे। ये ट्रैक बेहद ही खूबसूरत है। रास्ते की चौड़ाई कम है, लेकिन यहाँ पर आप देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ देखेंगे, खूबसूरत घने जंगल देखेंगे। बुग्याल पहुंचने के बाद जो हिमालय पर्वत के व्यू देखेंगे आप, वो अपने आप में ही अल्टीमेट रहते हैं। यहाँ पर एक बुधिर केव भी है, आप चाहें तो उसके अंदर भी जा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ भी स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो पूरा बुग्याल स्नो से ढक जाता है, लेकिन देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। अब बात करते हैं स्कीइंग पॉइंट की। जी हाँ, आप चाहें तो मुंडाली जा सकते हैं। मुंडाली एक ऐसा प्लेस है जो उत्तराखंड के औली के बाद, मुंडाली ही वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा स्कीइंग होती है। यहाँ पर स्कीइंग करने के लिए कुछ अलग अलग कोर्सेज भी कराए जाते हैं, आप चाहें तो उन कोर्सेज को भी कर सकते हैं, जो 14 से 15 दिन तक की ट्रेनिंग रहती है। उस ट्रेनिंग को आप करने के बाद स्कीइंग में प्रोफेशनल हो सकते हैं। मुंडाली स्नो एडवेंचर के लिए, स्नो एक्टिविटी के लिए बहुत ही फेमस प्लेस है। अगर स्नो एक्टिविटी करना चाहते हैं तो मुंडाली जरूर जाएं। तो ये थे कुछ खास पॉइंट चकराता आने के बाद घूमने जाने के लिए। इन सभी पॉइंट्स को आप आसानी से कवर कर पाएंगे अपनी कार या बाइक से, इन सभी साइट्स को कवर कर सकते हैं। अब चाहे तो वहाँ से शेयर टैक्सी लेकर भी इन सभी पॉइंट्स को कवर कर पाएंगे, जिसमें
बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आपका नहीं लगेगा, महज 20 से 30 रुपये एक से दूसरे स्पॉट पर पहुंचने में खर्च होता है। चलिए बात करते हैं बेस्ट टाइम क्या है चकराता को एक्सप्लोर करने का। देखिए बेस्ट टाइम वैसे तो पूरे साल यहाँ टूरिस्ट आते हैं, लेकिन विंटर में नवंबर से लेकर मार्च तक काफ़ी अच्छा मौसम रहता है। अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो नवंबर से मार्च तक आप कभी भी आ सकते हैं। अगर आप गर्मियों में आना चाहते हैं तो गर्मियों के लिए बेस्ट समय है अप्रैल से जुलाई का। उस समय यहाँ पर हरे भरे घास के मैदान, बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप, बुग्याल देख पाएंगे। चकराता की खूबसूरती उत्तराखंड के दूसरे हिल स्टेशन से थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ के नज़ारे बहुत ही अद्भुत और अल्टीमेट रहते हैं। यहाँ का पीसफुल वातावरण, शांति भरा एटमॉस्फेयर अपने आप में अल्टीमेट है। अगर आप कुछ समय पीसफुली बिताना चाहते हैं, कुछ समय अकेले बिताना चाहते हैं, भीड़ भाड़ से हट के प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों में अपना अच्छा समय बिताना चाहते हैं तो चकराता जरूर आइएगा। चकराता में फूड फैसिलिटी की बात करते हैं तो बहुत सारे होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट वहाँ के मेन मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आपको खाने पीने से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। शॉपिंग की बात करते हैं तो चकराता में एक न्यू मार्केट है, जिसे चकराता का न्यू मार्केट के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर सभी तरह की छोटी बड़ी शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन जरूरत के सभी सामग्री आपको यहाँ मिल जाएगी। चकराता वैसे एक कंटेनमेंट टाउन है जो पूरी तरह से मिलिट्री एरिया है, तो इस एरिया में विदेशियों की एंट्री पूरी तरह से वर्जित है। यानी कहने का मतलब है कि इंडियन ही चकराता को घूमने आ सकते हैं, कोई विदेशी पर्यटक चकराता में घूमने नहीं आ सकता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मसूरी, नैनीताल, मनाली, शिमला, इन सब के बाद अगर कुछ पीसफुल समय और कुछ बेहद ही खूबसूरत वादियों में आपको समय बिताना है तो चकराता आप ही के लिए बसाया गया है। एक बार चकराता जरूर जाइएगा। बजट की बात कर लेते हैं तो बहुत कम बजट खर्च होगा आपका चकराता में। देहरादून से चकराता की दूरी बता चुका हूँ मैं, 90 किलोमीटर है मात्र। तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट पर भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होगा, लोकल साइट्स पर भी ना के बराबर ही पैसा यहाँ पर खर्च होता है। यानी आप अगर सोलो आते हैं तो 3500-4000 में बड़े आराम से पूरे चकराता को एक्सप्लोर कर पाएंगे। मैं दिल्ली से रेट आपको बता रहा हूँ। अगर आप ग्रुप में आते हैं तो 2500 से 3000 में ही पूरी ट्रिप को आप इंजॉय कर लेंगे और आपकी ये ट्रिप मसूरी नैनीताल के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप अपना पर्सनल कैंप लगाना चाहते हैं तो चकराता में बहुत सारी ऐसी लोकेशन है जहां पर आप अपना पर्सनल कैंप भी लगा सकते हैं। लेकिन कंटेनमेंट टाउन होने के कारण आप यहां पे कुछ एरिया में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, जैसे कोई मिलिट्री एरिया है तो वहां आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। बाकी जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इन सभी जगहों पर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, मोबाइल नेटवर्क सभी तरह के यहां पर काम करते हैं तो उससे रिलेटेड भी कोई इश्यू नहीं है। यहां पर बैंक, ATM सभी तरह की फैसिलिटी है। लेकिन खूबसूरती के मामले में उत्तराखंड की बेहद ही खूबसूरत प्लेस है चकराता। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई सवाल रह गया तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।